तो कोविड के बाद से महंगाई ने भी पूरे देश में अपना कहर बरपा दिया। जिस तरीके से महंगाई पूरे देश को इस तरह से आम जनता के आर्थिकी पे असर पड़ रहा है, वैसे ही उत्तराखंड में भी महंगाई अपने चरम पर है। उत्तराखंड में पेट्रोल 107 रुपए के पार है और डीजल 98 रुपए के पास पहुंच गया है, जिससे त्योहारों के सीजन में लोगों की तकलीफें कई गुना बढ़ गई है। उत्तराखंड में भी महंगाई की मार से जनता बेहाल है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। के साथ साथ उत्तराखंड में तेलों के दामों में इजाफा हो रहा है। इस वक्त हम देहरादून के एक पेट्रोल पंप पे मौजूद है। इधर की तरफ अगर मैं दिखा दूं तो करंट तेल का जो दाम है वो 107 रुपए, पेट्रोल का आज दाम है 107 रुपए 33 पैसे और 97.51 जो है वो डीजल पहुंच चुका है। लगातार महंगाई की मार जो है वो लोगों पर पड़ रही है। ऐसे में लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो लोग तेल डलवाने आ रहे हैं, लेकिन जो काफिला होता था पेट्रोल पंप के उसमें कहीं ना कहीं जो है वो कमी आई है। त्योहार के सीजन में महंगाई की डोज लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। जनता राहत की आस में है, लेकिन फिलहाल महंगाई की मार से निजात मिलती दिखाई नहीं दे रही है। सर, तेलों के दाम बढ़ने से हर चीज में, गरीब मरा में हर चीज में फर्क पड़ जाता है, हर महंगाई बढ़ जाती है। तेल एकदम से 100 का पार हो गया, अभी 4 रुपए सस्ता हुआ था, फिर 100 के पार हो गया है, तो हर किसी की कमर टूटी पड़ी है। किराया बढ़ा, हर चीज में बढ़ोतरी। वजह क्या मानते हैं? बीजेपी की सरकार लगातार बोल रही है कि हम महंगाई कम करेंगे, कम कर रहे हैं, लेकिन तेल एक मुख्य वजह होती है हर चीज की महंगाई की, उसको किस तरीके से देखते हैं? सर, तेल पे तो सबसे पहले ने काबू, अगर महंगाई कम करनी है तो तेल पे सबसे पहले काबू करना चाहिए ने। अगर तेल कम होगा तो और महंगाई भी कम हो जाएगी, और तेल के बढ़ने से हर दाम बढ़ जाते हैं, उसमें पता नहीं क्यों सरकार फेल हो रही है। जबकि इन्हें सबसे पहले तेल के प्रति ध्यान देना चाहिए, उससे और महंगाई भी अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी। आवाम सरकार से महंगाई कम करने की मांग कर रही है, लेकिन जनता की मांग पूरी नहीं हो रही है, जिससे जनता बेहद परेशान हो चुकी है। खाली कह रहे हैं कि इसे कम करा जाएगा, पर तेल के दाम जो है बिल्कुल कम नहीं करे जा रहे हैं, और लगातार आप भी देख रहे होंगे कि 35-35 पैसे करके 4 दिन से डेली के पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, और आम जनता जो है इससे बहुत त्रस्त हो चुकी है। और आप तेल की क्यों बात करते हैं? आप सरसों के तेल पे चले जाओ, रिफाइंड पे चले जाओ, हर चीज़ के दाम दुगने हो चुके हैं, और आम आदमी जो है बहुत त्रस्त है, बहुत ज़्यादा परेशान है। पेट्रोल और डीजल के साथ साथ सारी चीज़ें ही महंगी हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका दाम नीचे हो रहे हो। उसमें चाहे सब्जी हो, चाहे घर का सरसों का तेल हो, चाहे सिलेंडर हो, हर चीज़ में सरकार ने जो है मार दे रखी है, और आम जनता को बिल्कुल परेशान कर रहा हुआ है। हर आदमी का रसोई का खेल, अपना ऑफिस जाने का तेल का खेल, सारा सिस्टम खराब करा हुआ है। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव होने हैं, और उससे पहले लोगों को महंगाई का करंट सत्ताधारी बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकता है। तो वहीं दूसरी ओर हर जरूरी चीज के रेट बढ़ने से जनता का बजट भी बिगड़ा हुआ है। लगातार बढ़ती महंगाई से आम लोग जो है वो पूरी तरीके से त्रस्त है। मांग है तो इतनी कि सरकार जो है वो इन तेलों के दामों को कम करे, ताकि लोगों को थोड़ी सी राहत मिल सके। उत्तराखंड से वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम के साथ मैं सागर शर्मा, TV100 न्यूज़ देहरादून। उत्तराखंड की जनता भी महंगाई की मार झेल रही है। महंगाई की मार आम जनता के आर्थिकी पे असर डाल रही है, जिसके बाद से आम जनता काफी परेशान भी है।